नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लाइफ टाइम लर्निंग विथ आनंद कुमार में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। आइए दोस्तों, आज के इस छोटे से सेशन में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की बात करेंगे। इसको रखने का मेरा यही वजह है क्योंकि हम इसमें बहुत कम टाइम में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को समझने का एक अलग तरीका समझते हैं, ठीक है, इस बिना किसी एग्जांपल के, क्योंकि हो सकता है बहुत लोग इस पे ज़्यादा टाइम देना पसंद ना करें क्योंकि ये इसका ज़्यादा रिलेशन नहीं है हमारे क्वेश्चन के साथ। बस एक आयदर और में एक छोटा सा ये रूल है जिसको फॉलो करने के लिए सम और सम नोट नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है, ऑल सम नोट क्यों करता है, नो सम क्यों करता है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है 40 मिनट का, काफ़ी लंबा, जिसमें एग्जांपल के साथ समझाया आपको। लेकिन अगर आपको जल्दी से जल्दी समझना है और अगर आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज भी है तो आप यहाँ से आसानी से समझ सकते हो इसको, तो इसको देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। देखिए तो बाबू, हमने क्या देखा था, ऑल सम नोट नो सम, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा था। सिंपल क्यों बोला, क्योंकि गौर से देखिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब बताइए क्या होता है। मैंने बोला था दिन और रात एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। क्यों, क्योंकि जब दिन होगा तो रात होने की पॉसिबिलिटी भी नहीं है। क्या इसका मतलब क्या हुआ, अगर सिलॉग्स की भाषा में आप बात करें, सिलॉग्स की भाषा में, कि अगर दिन है तो रात जो है वो डेफिनेटली फॉल्स होगा। डेफिनेटली फॉल्स का मतलब थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो आप लोग समझोगे, जिसका जो हमारा बेसिक डेफिनेटली जो होता है वो तो गलत होगा ही होगा, इसके साथ साथ उसका पॉसिबिलिटी भी गलत होगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेफिनेटली फॉल्स। इसका मतलब वही होता है, यानी अगर एक बार में दिन है तो वहां रात कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता मतलब उसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं जा सकती उसके अंदर। क्लियर है बच्चों, अगर रात है तो दिन होने की पॉसिबिलिटी भी नहीं जा सकती। क्लियर है, तो बस वही कंसेप्ट यहां पे अप्लाई करना है और हमें समझ लेना है। गौर से देखिए ऑल और सम नोट का जो कॉम्बिनेशन है, अब गौर से देखिए अगर ऑल सही होगा तो आते हैं एक एग्जांपल से, जस्ट सिंपल ऑल ए आर बी। मुझे बाबू जल्दी से बताओ, अगर ऑल ए बी सही है तो इसमें सम नोट सही होगा, सम ए आर नॉट बी सही होगा, नहीं होगा। चलिए सम ए आर नॉट बी तो सही नहीं हुआ, क्या उसकी पॉसिबिलिटी भी सही हो सकती है? गौर से देखिए तो सम ए नॉट बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, बताइए तो, ये तो पॉसिबिलिटी में भी सही नहीं होगा ना, यानी ना ये डेफिनेट में सही हुआ ना ही पॉसिबिलिटी में सही हुआ। इसका मतलब क्या, ये डेफिनेटली उस टाइम एग्जिस्ट नहीं करेगा, डेफिनेटली नहीं करेगा किसी भी हालत में। जब ऑल आएगा तो सम नोट किसी भी हालत में नहीं आएगा। एम आई क्लियर, अगर बात समझ गए हो तो आइए दूसरी तरफ से सम नोट के केस में। सम नोट मतलब ये हमारा ए है और इसमें से सम बनाया हमने और ये क्या नहीं है, बी नहीं है। सो सम ए आर नॉट बी, अगर सम ए आर नॉट बी है तो क्या ऑल ए बी के अंदर दिख रहा है, नहीं। इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, किसी भी हालत में नहीं हो सकती क्योंकि सम ए आर नॉट बी डेफिनेट हो चुका है, यानी जब ये सही तो ये वाला गलत। आप देख रहे हो, जब एक सही हो रहा है तो दूसरा किसी भी हालत में, ना तो डेफिनेट में ना पॉसिबिलिटी में, किसी भी हालत में सही नहीं हो रहा है, वो उस टाइम डेफिनेटली फॉल्स हो रहा है। इसीलिए ये वाला रूल फॉलो किया किसका, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का। बात समझ में आई कि नहीं, चलिए दूसरे पे आते हैं बाबू, नो और सम के केस में। नो मतलब ये हमारा ए है, ये क्या नहीं है, बी नहीं है। सो नो ए इज बी में सम ए आर बी सही होगा क्या, जब नो ए इज बी है तो सम ए आर बी सही होगा ना। सम ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये सही होगी, डेफिनेट के साथ पॉसिबिलिटी भी चेक करो तभी तो वो डेफिनेटली फॉल्स होगा। तो क्या सम ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी सही होगी, नहीं। इसका मतलब जब ये सही हो रहा है तो एट द सेम टाइम ये ना तो डेफिनेट में सही हो रहा है ना पॉसिबिलिटी, मतलब किसी भी हालत में वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और यही होता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होने का सबसे बड़ा रूल। आइए सम की बात करते हैं, जब सम हमने लिया यानी सम ए आर बी, तो अब इस सम ए आर बी में नो ए इज बी होगा क्या, जब ये सम ए आर बी है तो नो ए इज बी होगा, नहीं। नो ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सम ए बी हो चुका, यानी जब एक सही तो दूसरा गलत, जब दूसरा सही तो पहला गलत, यानी ये भी हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हुए कि नहीं बाबू। अब आते हैं हम उस केस पे जिस पे टेंशन होता है आपको, सम और सम नोट। आइए तो सम को अगर पकड़ते हैं, यानी ये रहा हमारा सम ए आर बी। अगर सम ए बी है तो मुझे ये बताइए सम ए आर नॉट बी उस टाइम सही होता है, डेफिनेट में नहीं होता है, वेरी गुड। लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी होती है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं, बोलिए। सिर्फ सम ए आर बी अगर डेफिनेट है तो सम ए नॉट बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी और नॉट,
अगर ये पॉसिबिलिटी है तो जब ये सही है तो एक ऐसा चांस बन रहा है ना जिस टाइम सम नोट भी सही हो जाएगा, यानी एक ही टाइम पे दोनों बात सही हो रहा है कि नहीं बाबू। और अगर ऐसा हो रहा है तो चलिए दूसरे साइड से देख लेते हैं, सम ए आर नॉट बी के साइड से देख लेते हैं, सम ए आर नॉट बी। अगर सम ए आर नॉट बी है तो मुझे ये बताइए सम ए आर बी सही होगा? नहीं होगा डेफिनेट में। लेकिन पॉसिबिलिटी में बताइए सम ए आर सम ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी और नॉट? यस, यहाँ भी पॉसिबिलिटी में सही होने की चांस है, यानी एक ऐसा कंडीशन आएगा जहाँ पे वो एग्जिस्ट कर सकता है। इन दोनों में ऐसा कोई जगह नहीं था, इसीलिए परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। लेकिन यहाँ तो ये बात क्या हो रही है, गलत हो जा रही है ना। तो जब यहाँ हो रहा है तो आप किसी को भी इसमें प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए कि जब इसमें एक पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है जहाँ दोनों सेम मतलब एग्जिस्ट कर जाए, सो दिस इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है ही नहीं तो आइदर के रूल को फॉलो करेगा ही नहीं जिंदगी में, कभी नहीं करेगा। सो अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है, ये दोनों है, तो ये दोनों चला जाएगा हमारा किस में, ये दोनों हमारा चला जाएगा आइदर और में, और ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के रूल को फॉलो नहीं किया, और साथ में एक और होता है ना, कौन सा, नो ऑल, ये तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, तो ये दोनों चला जाएगा किस में, नाइदर नॉर। एम आई क्लियर दोस्तों? अगर आपको ये बेसिक बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो एक बड़ा सा वीडियो भी बना दिया है मैंने। चलिए, मैंने इसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की है, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। चलिए दोस्तों, इसी तरह आप लगे रहिए हमारे साथ, आगे भी हम लोग अच्छे अच्छे कंसेप्ट और आगे भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम करेंगे। चलिए, आप लोग जहाँ कहीं भी हैं वहाँ खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।